अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। देखिए आज शौक करा रहे आपको कांटों वाले जो कलसी रे टेढ़ी है उनका शौक करा रहे। तो देखिए टेढ़ी के बारे में जो है मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँगा इस वीडियो में। देखिए हर कबूतर जो है जो कलसीरा है या फिर रंग से मैच हो रहा वो टेढ़ी कबूतर नहीं है। टेढ़ी कबूतर अपने आप में एक ख़ासियत रखता, आप देख सकते इनके अंदर खूबसूरती भी है, इनके अंदर परवाज़ भी है। तो जिसने देखे ऐसे कलसीरे कबूतर जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया मैदान में, तो लोगों ने टेढ़ियों को नाम रखना शुरू कर दिया। तो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लगभग 8-10 साल से ये सारी ब्रीडें मौजूद है और इसकी हमने काफ़ी सारी जो है अलग अलग नस्लें हमारे फार्म के ऊपर ब्रीड कर रही है। तो नोटिस करें तो इनका जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये जब आप देखेंगे खुद हाथ में लेके इन कबूतरों को, वीडियो में तो हम आपको खाली इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और आप देख सकते हैं, लेकिन असल टेढ़ी कबूतर जो है जब तक आप हाथ में नहीं देखेंगे तब तक आपको उसका अंदाज़ा नहीं आएगा। तो ये जो कलसीरे हैं कांटों वाले, इसमें हमारे पास जौनसीरे भी है, इसमें सलारे भी है, इसमें जितने भी रंग हैं सारे हमारे पास मौजूद हैं हमारे फार्म के ऊपर। तो देखिए ये जो नस्ल है बेसिकली अब इसको तो ये नस्ल बन चुकी है, ये बना हुआ कबूतर है, किसी अच्छे उस्ताद ने इनको बनाया है। तो सारे डिफरेंट कलर है इनके अंदर और इसके साथ साथ खूबसूरती है, परवाज़ है। तो आजकल का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा चल रहा है इनके बारे में कि भाई इनके अंदर उड़ान है, परवाज़ है, नहीं है या सिर्फ दिखने में है। तो देखो देखो दिखने वाली चीज़ अलग है और इसके अंदर परवाज़ जो है वो अलग है, तो पहचाने उस चीज़ को तभी ले, जहाँ से भी ले, किसी से भी ले। क्योंकि ये कबूतर देखो महंगे हैं, सस्ते तो है नहीं कबूतर ही, और शायद ही जिनको मिले हैं सस्ते तो वो बिल्कुल सस्ते ही देंगे और जिनको महंगे मिले तो वो कोई भी आपको सस्ता नहीं देगा। तो इन कबूतरों में आपका पैसा वक्त जो भी लगा रहे सोच समझ के लगाना, क्योंकि आजकल लोगों ने इनका बहुत सारा मार्केट, कुछ लोगों ने अच्छा भी बनाया, कुछ लोगों ने ख़राब भी करे। सारी बातें जो है अभी एक वीडियो में नहीं बता सकते, इंशाल्लाह हम बाकी और भी वीडियो में आपको बताएंगे। क्योंकि देखो हमारा एक ब्रीडिंग सेटअप है, ब्रीडिंग फार्म है, तो इसके अंदर एक ब्रीडर बनना और एक ट्रेडर बनना इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। तो देखिए और शौक कीजिए इन कबूतरों का, इनके हवाले से इंशाल्लाह हम आपको अपडेट देते रहेंगे और भी इनके रिजल्ट्स भी मौजूद हैं हमारे पास, परफॉर्म भी कर चुके हैं ये क्रॉस में भी और असल हालत में भी इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह ये थे हमारे यार पिजन फार्म के चंद कबूतर, इंशाल्लाह लाने चाहा तो फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।